हेलो दोस्तों, तो हम इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स कर रहे हैं। ये पार्ट टू है वीडियो का। पार्ट वन नहीं देखा तो बेटा पार्ट टू समझ नहीं आएगा, प्लीज उसको देख लेना। ऊपर लिंक दे रहा हूं पार्ट वन वीडियो का, वो देखने के बाद ही टू स्टार्ट करना। तो हमने उसमें एक क्वेश्चन किया था कि हम जब वूलन का कपड़ा उतारते हैं तो हमारे अंदर एक चार्ज आ जाता है बॉडी के अंदर, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। उसमें पार्ट वन में रिप्लाई नहीं मिला, तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं पार्ट टू में। तो हम क्या करते हैं कि इसमें देखते हैं, तो हमारे पास वूलन का कपड़ा जब हम उतारते हैं तो हमारे पास एक चार्ज आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आता है। अब देखिए, जब हमारे पास वूलन यहां पे है, ये 100% वूल है, ये 100% कॉटन है, ये दोनों आपस में जब रब करते हैं, हम उतारेंगे ना जब, तो वो आपस में क्या करेंगे, रब करेंगे एक दूसरे के साथ, इस तरह से रगड़ रगड़ खाएंगे। तो इस तरह से जब रगड़ खाएंगे तो उससे होगा क्या, उसके कारण हम अब इनको ना एटम्स के नजरिए समझते हैं। ये एटम्स हैं, ठीक है, ये वूल, ये हमारे पास कॉटन वाले हैं, ये वूल वाले हैं। तो कॉटन वाले जो हैं उनके पास डिमांडिंग पावर ज्यादा है कि इस साइड आ जाओ, इनके पास फोर्स ज्यादा है, ठीक है। तो हमारे पास कॉटन जो है वो बुला रहा है कि वूलन एटम्स को बुला रहा है कि इस साइड आ जाओ भाई, इस साइड आ जाओ, हमारे साइड आ जाओ। तो इनमें से एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अट्रैक्ट हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां चला जाता है। तो अब पता है क्या हो गया, अब इनके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, इनके पास पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव इनमें से कम हो गया ना, इनके पास -1 हो गई इनका स्कोर, नाचने लग गए ये, और इनका स्कोर जो है वो +1 हो गया, ठीक है, इनके पास +1। इसी तरह हम जब एक और इलेक्ट्रॉन यहां से उठा के यहां बाहर डाल दे तो हमारे पास इनकी डिमांडिंग पावर ज्यादा है, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां भगा देना है, तो इनके पास -2 हो जाएगा, इनके पास +2 हो जाएगा। ओके, -3 +3, इसी तरह -4 +4, -5 +5, इसी तरह चलता जाएगा। लेकिन इनकी भी लिमिट है, इनकी भी एक लिमिट है कि इसके बाद हम नहीं आ सकते, आगे नहीं आ सकते, ठीक है, क्योंकि वापस अब अगर चार्ज ज्यादा होता रहेगा ये वापस भी हो सकता है, इसी जैसे इधर जा रहा है इधर भी आ सकता है, इसलिए एक लिमिट है, उसके ज्यादा हम नहीं जा सकते। तो -6 चला गया है, तो अब ये वापस भी आ सकता है, इसलिए हम वहीं से रुक गए हैं। तो हमारे पास इस तरह से जो बॉडी है वो कॉटन के ऊपर जो है, कॉटन के ऊपर चार्ज ज्यादा आ जाता है। तो हमारे पास इस तरफ से वूलन और इस तरफ कॉटन, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारे पास ये एटम्स के नजरिए से क्या कैसा दिखता है। तो इसलिए जब हम यहां से उतारेंगे ना कपड़ा उतारेंगे वूलन वाला, तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज जो है इनके पास चला जाएगा, ठीक है, ये देखिए रगड़ खाया और ये इलेक्ट्रॉन्स भाग के इनके पास चले जाएंगे। बात थोड़ी समझ आ रही है या नहीं, ठीक है। और मैं अगेन कह रहा हूं बेटा, अगर आपको कुछ फायदा मिल रहा है तो हम जैसों का फायदा करो, अभी लाइक का बटन दबा दो, ठीक है। तो नेगेटिव यहां से जा रहा है, इधर जा रहा है, और वो कहां जा रहा है, कॉटन के पास। कॉटन भर गया अब नेगेटिव चार्ज से, कॉटन भर गया, लेकिन कॉटन की शर्ट प्रॉब्लम यह है, कॉटन की शर्ट के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ चुका है तो ये चार्ज कहां जाएगा, हमने तो शर्ट डाली हुई है, शर्ट भी तो हमने डाली है ना, बात समझ रहे हो। अब ये जो हमारे पास चार्ज है वो हमारे पास आ चुका है, तो हमने ये देखो ये नेगेटिव चार्ज हमारे पास है, अब ये नेगेटिव चार्ज जो एक्स्ट्रा है अगर हमने कंडक्टर को टच किया, अब ये इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं, ये यहां से यहां भागेंगे, लेकिन टैप में से क्रॉस करके जाएंगे कहां, टैप में से क्रॉस कर गए लेकिन आगे कहां जा रहे हैं, तो आगे कहां जाएंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। जब तक ये सारे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं जाते तब तक, अब ये पाइप जो है वो जमीन में जा रही है, और ये पाइप जो जमीन में गई, जमीन में मतलब धरती में गई, वो सारा धरती में जा रहा है, और धरती इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़े बहुत चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो न्यूट्रल है धरती, अगर थोड़ा बहुत चार्ज, क्योंकि साइज बड़ा है ना यार, साइज बड़ा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चार्ज डालते जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर जा रहा है, तो फिर भी वो न्यूट्रल, धरती जो है न्यूट्रल बड़ी है, ठीक है, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अटैक करते हैं तो इनको धरती को फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो इसलिए ये जो है नेगेटिव चार्ज वो सारा धरती के अंदर डालते हैं, और इस तरह की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्राउंडिंग कह देते हैं हम। जैसे ये प्रोसेस आपने अर्थिंग सुना होगा, वर्ड अर्थिंग करवाते हैं घरों की, यही होता है वो अर्थिंग, अर्थिंग हम इस तरह से करवा लेते हैं ताकि सारा जो है इस तरह से प्रॉब्लम ना आए हमें, चार्ज झटका वगैरह ज्यादा ना लगे, और ये हमारे पास इस तरह से होता है। बात थोड़ी समझ आ गई, अब आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास अगर उल्टा हो गया, एक रबर का कपड़ा आ गया और यहाँ पे कॉटन,
अब थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा कि कॉटन वाले में से नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा। तो ये देखिए, हम बहुत ज्यादा डेप्थ में ना जाएं केमिस्ट्री के, किसकी एफिनिटी ज्यादा है, कौन ज्यादा डिमांडिंग पावर ज्यादा है किसकी। तो ये हमारे पास जो है रबड़ वाला, तो रबड़ वाले में उल्टा होगा, यहां से कॉटन जैसे यहां से आएगा, ठीक है। तो इनके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इनके पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और रबर वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है। पहले हम वूलन का कॉटन के साथ देख रहे थे, अब रबर का यहां पे कॉटन के साथ देख रहे हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इनके पास चार्ज नहीं है, लेकिन अब अगर कंडक्टर को टच करोगे तो अब अर्थ में से तो आपको झटका कर लगता है इसमें, तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज आपके पास आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आपके पास आ जाएगा। तो ये जो है ये प्रोसेस, ये वापस धरती जो है अपने पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आपने किसी और ने दे दिए थे, वो यहां से अब इनके पास आ चुके हैं। तो ये प्रोसेस अच्छी है, अच्छी चलती रहती है इसी तरह से। कंडक्टर्स आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे, इंसुलेटर समझ आ गए होंगे, ये करंट कैसे लगता है, करंट के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कैसे करते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। अब आप देखो, एक हमारे पास एक ना ये हमारे पास ना प्रोडक्ट, आपने यहाँ पे इमेज दे देता हूं आपको, तो ये यहां से नहीं अच्छा दिख रहा, वैसे ये इमेज से आपको समझ आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है हमारे पास, ये इसमें ये प्रोसेस में बड़ा बढ़िया दिखा रखा है। यहां दो लेग्स होती है इसके ऊपर, दो लेग्स होती हैं जो हमारे पास, देखो आपको पता है ना कि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आपस में रिपेल करते हैं, ठीक है। दो सेम चार्ज जो होते हैं ना, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर हम इन दोनों के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज डाल दें तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो हमें पता लग जाएगा कि बॉडी चार्ज हुई है, बॉडी चार्ज हुई है। तो इलेक्ट्रोस्कोप जो है हम क्या यूज करेंगे इसको, मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज है, मान लीजिए ये बॉडी है और ये हमने इसके साथ टच में लाई, ये चार्ज वाली बॉडी इसको चार्ज देगी तो ये लेग्स आपस में खुल जाएंगी। अब दोबारा देखो, प्लस माइनस हमारे पास न्यूट्रल पड़ा था ये, लेकिन हमने एक मान लीजिए एक बॉडी इसके टच में लाई जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, ठीक है, इसको दे दिया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है चार्जिंग होगी, देखो चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट, हमने ये चार्जिंग कर दी। हम बैटरी नहीं चार्ज करते, कहते हैं बैटरी चार्ज करनी है, बैटरी भी इसी तरह से चार्ज होती है ना। तो ये कह रहा है देखो नेगेटिव चार्ज जो है आपस में क्या करते हैं, रिपेल, भूत जैसा बना के, ठीक है, तो भूत जैसा बना के आपको समझाने की कोशिश की है। यहां पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां बढ़ा है तो ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज, इसलिए ये इस तरह से खुल जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप होता है इस तरह का, ठीक है। आपने अगर आप बहुत मान लीजिए बड़े स्कूलों में पढ़े हैं, ठीक है, हम जैसे स्कूलों में तो भाई हमें ये नहीं पता होता था ये होता क्या है, ठीक है, ये तो हमने जब मान लीजिए बीटेक किया तब कहीं सुना था, और ये यूट्यूब वगैरह से समझना होता है, वैसे तो हमें कभी देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो आप बताना कि आपके स्कूल में या कॉलेज में कहीं आपके इलेक्ट्रोस्कोप है, आपने कभी देखा है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपने कभी ये चीज देखी है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये होता है यार, जब फील करते हो टच करके आप फील करोगे इसको कि हाँ यार इसमें चार्ज है, बॉडी चार्ज हो रही है, तो मजा आता है उस चीज को देख के। तो ये इलेक्ट्रोस्कोप जो है इस तरह से वर्क करता है। अगर हम देखिए उल्टा करें, यहां से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ जाए तो ये नेगेटिव यहां से धकेल देगा इधर, ये नेगेटिव इधर से यहां से धकेल देगा कि नेगेटिव खींचा गया, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे भी अगर देखोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव यहां पे बढ़ जाएगा, ये देखो पॉजिटिव बढ़ गया इसलिए भी खुल गया, क्योंकि सेम चार्ज जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये था सेकंड पार्ट वीडियो का, हम चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर, थर्ड पार्ट वीडियो का कैसा होगा, और पार्ट टू अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर दे मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को। और मुझे पता है बहुत सारे ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो वीडियो देखते हैं, उनको वीडियो अच्छी भी लगती है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब क्यों, मेरा क्या जाता है, एक बटन ही दबाना है, और हम जैसे वो मोटिवेशन होती है या कि है ना, एक अच्छा लगता है यार, कोई जब जाते हैं कहीं पे कहीं सर के इतने सब्सक्राइबर्स हैं, ये नहीं देखते। अब मैं एक बार देख रहा कि 40% जो है वो सब्सक्राइबर है, 60% जो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो 60% बहुत होते हैं। तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें वीडियो, और अगर आप SSC JEE की तैयारी करना चाहते हैं यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।